हाय माय लिटिल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज वजाहत। और यार आज की वीडियो इंडियन एक पावर पे होने वाली है, इंडिया की पावर पे, जो कि इंडिया का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। और वीडियो का टाइटल है टॉप 10 मोस्ट डेडलीस्ट फाइटर जेट्स इन इंडिया, ठीक है, इसी तरह का टाइटल है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यार एक बात आप लोगों से करनी थी यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, नीचे बेल आइकन है यार, एक व्यू आता है एक अगर सब्सक्राइब करे ना तो मैं कहता हूँ कि यार बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि इतना लोग हमें बोल रहे हैं यार आप लोगों का काम इतना अच्छा है, लेकिन यार आप लोगों को सब्सक्राइबर इतने नहीं मिल रहे, ये वो। यार आप लोगों को चाहिए ना कि आप सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन को प्रेस करने और सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने में क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा यार। तो प्लीज थोड़ी सी हेल्प करो, सब्सक्राइब करो यार। और चलते अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं यार के मतलब कि इंडिया के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं। राफेल है, तेजास है, यूं कुछ नाम का है, ठीक है, ये दो का पता है, इनके अलावा मुझे नहीं पता। और बकाया देखते हैं कि बकाया और कौन कौन से हैं, ये तो मस्ट होंगे लिस्ट में। तो बिना किसी देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 एंड स्टार्ट। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स में आती है, जिसमें लगभग 1,40,000 एक्टिव पर्सनल शामिल हैं। इंडियन एयरफोर्स का प्रमुख उद्देश्य भारतीय हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रखना है, और इस अहम उद्देश्य को पूरा करने में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट्स का एक बड़ा योगदान है। इंडियन एयरफोर्स में मौजूदा समय में लगभग 1,820 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। तो आज के एपिसोड में हम आपको इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। नंबर 10 पर है एल्यूसिनिल 78। एल्यूसिनिल 78 सोवियत द्वारा निर्मित 4 इंजन एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल फ्लाइट के दौरान दूसरे मिलिट्री एयरक्राफ्ट में एविएशन फ्यूल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स ने एल्यूसिनिल 78 के पहले दो एयरक्राफ्ट को 2003 के हाफ में प्राप्त किया था, और सार्वजनिक तौर पर सबसे पहले 8 अक्टूबर 2003 में एयरफोर्स डे परेड के दौरान प्रदर्शित किया गया था। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 850 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 7300 किलोमीटर तक है। नंबर 9 पर है C-130J सुपर हर्कुलिस एयरक्राफ्ट। ये एक 4 इंजन टर्बोप्रॉप मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसमें रोल्स रॉयस द्वारा निर्मित AE-2100D3 टर्बोप्रॉप इंजन लगा हुआ है। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिकन कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने मैन्युफैक्चर किया है। इंडियन एयरफोर्स ने 2008 की शुरुआत में स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के लिए C-130J के 6 एयरक्राफ्ट को खरीदा था, और इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इनमें कुछ स्वदेशी तौर पर निर्मित उपकरण भी शामिल किए थे। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 671 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3334 किलोमीटर है। बहुत ज्यादा भाई। नंबर 8 पर है बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर 3। C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स का बिगेस्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूनाइटेड स्टेट की कंपनी मैकडोनल्ड डगलस और बोइंग ने विकसित किया है। इस एयरक्राफ्ट को सबसे पहले 1980 से 1990 की शुरुआत में यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया था, और फरवरी 2011 में इंडियन एयरफोर्स ने बोइंग के साथ 10 C-17 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये एयरक्राफ्ट नेशनल इमरजेंसीज के दौरान स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 829 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 10,390 किलोमीटर तक है। नंबर 7 पर है सेपेकेट जैगवार। सेपेकेट जैगवार एक एंग्लो फ्रेंच जॉइंट वेंचर सेपेकेट द्वारा निर्मित एक अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसे सबसे पहले क्लोज एयर सपोर्ट और न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के लिए रॉयल एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स के लिए बनाया गया था। भारत में इन एयरक्राफ्ट को सबसे पहले 1981 में इंपोर्ट किया गया था, और मौजूदा समय में इन एयरक्राफ्ट पर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। बहुत पहले इन एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 1,699 किलोमीटर प्रति घंटा है और इनकी रेंज 3,524 किलोमीटर तक है। नंबर 6 पर है मिकोयन MiG-27।
MiG-27 वेरिएबल ज्योमेट्रिक ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है जिसे सोवियत यूनियन की मिकोयन ग्यूरेविच ने एयर टू ग्राउंड अटैक के लिए डिजाइन किया है। इस एयरक्राफ्ट को कारगिल युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1885 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मैक्सिमम रेंज 2500 किलोमीटर तक है। नंबर 5 पर है HAL तेजस। तेजस स्वदेशी तौर पर निर्मित सिंगल इंजन मल्टी रोल लाइट वेट फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने डेवलप किया है। इस एयरक्राफ्ट में टेल लेस कंपाउंड डेल्टा विंग है जो इसे हाई मैनेवरेबिलिटी प्रदान करता है। तेजस HAL द्वारा निर्मित दूसरा सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1700 किलोमीटर तक है। नॉट बैड, इतना जबरदस्त। चार पर है मिकोयन MiG-29। MiG-29 ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे भी सोवियत यूनियन की मिकोयन ने डिजाइन किया है। इस एयरक्राफ्ट को 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान काफी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1430 किलोमीटर है। नंबर 3 पर है मिकोयन MiG-21। MiG-21 सोवियत यूनियन की मिकोयन द्वारा डिजाइन किया गया सुपरसोनिक इंटरसेप्टर फाइटर एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स MiG-21 के थर्ड लार्जेस्ट ऑपरेटर्स में आती है और मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स लगभग 252 MiG-21 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1470 किलोमीटर तक है। नंबर 2 पर है डसॉल्ट मिराज 2000। डसॉल्ट मिराज 2000 फ्रेंच मल्टी रोल सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने मैन्युफैक्चर किया है और इंडियन एयरफोर्स ने डसॉल्ट मिराज 2000 के लिए सबसे पहले अक्टूबर 1982 में ऑर्डर दिए थे जिनमें 36 सिंगल सीट और 4 ट्विन सीट डसॉल्ट मिराज 2000 शामिल थे और बाद में 2004 में इंडियन गवर्नमेंट ने 10 और मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी थी। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2336 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 1550 किलोमीटर तक है। नंबर 1 पर है सुखोई SU-30 MKI। MKI ट्विन जेट मल्टी रोल एयर सुपीरियरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स 240 सुखोई SU-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रही है और 2019 तक इनकी संख्या 272 तक होने की संभावना है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2120 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। तो ये थे इंडियन एयरफोर्स के 10 सबसे बेस्ट एयरक्राफ्ट। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो वीडियो हुई यहाँ पे खत्म। तो अब आते हैं एक रिव्यू की तरफ। रिव्यू यार बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। रिव्यू में यार मैं क्या बोलूं। पहले शुरू करते हैं यार दूसरे जहाज़ों से। ठीक है, जो फ्यूल रिफिलिंग का काम करता है, ठीक है, फ्यूल भरना इधर उधर ट्रांसपोर्ट के लिए भी मे बी वो यूज़ किया जाता हो। फिर आ जाते हैं भाई C-130। फिर इसी तरह के 2-3 और एयरक्राफ्ट थे कि जो मतलब के सामान इधर उधर लेके जाने के लिए और मतलब के आर्मी को जंग के हालात में इधर उधर लेके जाने के लिए शिफ्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वो यार एक किस्म की बड़ी बड़ी बलाएं थी यार। इतने बड़े बड़े थे, बंदा देख के डर जाए उनको यार। मतलब अब जैसे खड़े हुए हैं बंदा जाए देखने, बंदा देख के डर जाता होगा। और यार वैसे एक तो मुझे नहीं लगा कि मतलब हेलीकॉप्टर्स नहीं बीच में शो किए गए, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं शो किए गए। और राफेल क्यों नहीं शो किया गया ये मुझे नहीं पता यार। आप मुझे कमेंट में बताएं क्या वजह है कि राफेल क्यों नहीं ऐड किया गया इसमें। राफेल तो बहुत अच्छा हथियार है। और बकाया जो फ्रेंच था वो एक कौन सा उसका नाम ले रहा था, वो भी बहुत ज़बरदस्त था। वह सुपरसोनिक में आ जाते हैं, वो बहुत टॉप स्पीड थी यार, 2000 किलोमीटर पर हॉर से भी ज़्यादा। तो खुद आप लोग अंदाज़ा लगाओ कितना। और ट्विन इंजन्स बीच में सिंगल सीटर्स भी थे, डबल सीटर्स भी थे, जो कि भाई तबाही है। और वो 400 से ज़्यादा थे, मतलब 2019 में होने का 2019 गुजर गया, उससे ज़्यादा भी हो चुके होंगे। और इंटरेस्टेड यार, मतलब कि बहुत ज़्यादा है यार। इंडिया के पास तो वैसे भी बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट हैं,
फोर्थ नंबर पे इंडिया की आर्मी आती, तो जहरी बात है इतना तो होगा तभी तो फोर्थ नंबर पे है इंडियन आर्मी। और क्या मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी है, देखने में बहुत मज़ा आया। और ऐसी अगर कोई और लिंक हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर लाजमी रिएक्ट करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।